सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब आप धरातल पर जाएंगे तो आपको कहानी कुछ और ही नजर आएगी। सड़क बना देना एक अलग बात है, लेकिन इसका रखरखाव सही ढंग से हो यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप मनिहारी की दिलारपुर पंचायत में बने इस बनगट्टा पुल का हाल देख लीजिए। बेचारा सालों साल से बीमार है, अपनी हालत पर रोजाना 8-8 आंसू भी बहा रहा है। स्थानीय लोग भी इसकी हालत पर तरस खा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती ही नहीं। कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, प्रशासनिक अधिकारियों को भी बताया गया, लेकिन बेचारा बनगट्टा पुल आज भी बेचारा ही बना हुआ है। दिलारपुर पंचायत के हरी चौक से धुरियाही पंचायत के शाहपुर के बीच बना यह एक ऐसा पुल है जो आसपास की कई पंचायतों को एक दूसरे से जोड़ता है। जब से इसकी हालत जर्जर है, तब से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। लोग काफी भयभीत होकर इस जर्जर पुल से गुजरते हैं, लेकिन हमेशा हादसा होने का खतरा मंडराता रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 वर्ष पहले आई बाढ़ में इस पुल के दोनों साइड के पिलर क्रैक कर गए, जिससे पुल नीचे की ओर बैठ गया है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि हालांकि भारी वाहनों का आवागमन हम लोगों ने इस पुल से बंद करवा दिया है, लेकिन इस पुल की हालत इतनी जर्जर है कि यह कभी भी जमींदोज हो सकता है। अब स्थानीय लोग जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों से अपना ध्यान इस पुल की ओर करने की मांग कर रहे हैं। एक ऐसा पुल दिखाएंगे जो कि सुशासन बाबू के सरकार के रीजन में सड़क पर या पुल पुलिया पर दावा किया जाता है। हम आपको यह बता दें कि हरी चौक दिलारपुर से लेकर शाहपुर मालकाइन के बीच अभी हम खड़े हैं। जी, हम बता दें कि यह जो है कई साल पहले यह पुल टूटकर ध्वस्त हो चुका था, लेकिन अब तक सरकार या सरकार के कर्मी का नजर अब तक नहीं पड़ा है। जी, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं और उनसे जानने के प्रयास करेंगे कि किस तरह का लोगों को आवागमन में दिक्कत होता है। मैं हरदेव कुमार मंडल, पंचायत समिति धुरियाही पंचायत से। यह पुल जो है कि 2022 में टूटा हुआ है और 22 से लगातार हम लोग विधायक जी को आवेदन दिए, विधायक जी भी अगले संसद जी को, संसद जी भी नीतीश कुमार जी को दिए, लेकिन आज तक 2 साल के अंदर जो है कोई कार्य सरकारी, न विभाग आते हैं देखने के लिए, न कोई कार्य किया जाता है। और हमारे ग्रामीण किसान लोग जो है सारा मकई जो मेन रोड हुआ मुख्य सड़क बरारी और धुरियाही का, यानी 5-10 हज़ार पब्लिक आवाजाही यही रास्ता है। अच्छा, 10 हज़ार यही नहीं, 20 हज़ार, यानी बरारी से दिलारपुर तक जो है मेन रूट यही है। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जो यहाँ नया पुल का निर्माण किया जाए। क्या नाम हुआ? पंकज कुमार यादव। पंकज कुमार, क्या दिक्कत होता है यहाँ? वो पुल टूट गया है, 2 साल से हम लोग बहुत परेशानी में झेलते हैं, पानी बहुत फ्लड एरिया होता है यहाँ पे। पुल टूटे, पुल बनवा दे सरकार से, यही पुल बना है। नहीं, पुल टूटा हुआ है, पुल नहीं बना रहा है कोई भी ठेकेदार। देख सकते हैं हमारे पीछे कि ये पुल का नजारा है और ये पुल जो है टूटकर ध्वस्त हो चुका है। ये हमारे साथ कुछ लोग हैं और ये कहां से आ रहे हैं, उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे। तो यहाँ पुल टूटा हुआ है, बहुत घटना हो सकता है कभी भी, और आने जाने में बहुत कठिनाई है। 15,000-20,000 आदमी चलता है डेली, आता जाता है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है। और यहाँ ट्रैक्टर बाइक सब चलता है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है सर। मौत का शिकार कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है सर। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं सर? हम लोग चाहते हैं कभी पुल बन जाए, तुरंत पुल बन जाए, बहुत अच्छा वाला बात है। पुल बन जाएगा सबको सुविधा हो जाएगा। झावन चौधरी, बनगट्टा। क्या बनना चाहिए? बनना चाहिए। क्या नाम? रंजित कुमार। रंजित कुमार टोटो चलाता है? हाँ, बनेगा तो चेंज होगा। अच्छा, चले फिरेगा, गाड़ी चलेगा, आदमी मनुष्य चलेगा। अच्छा, तब क्या दिक्कत है? क्या इस पुल में दिखते ना है, टूटा हुआ है, टूटा हुआ है, दिक्कत है। क्या चाहते हैं कि बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। क्या नाम हुआ? हमको नाम दिलीप साहनी है। मैं इस पुल के बारे में कहना चाहता हूँ कि 3 साल से लगातार इस पुल के बगल में डाइवर्सन बराबर बना रहा है, जो कि डाइवर्सन सक्सेसफुल नहीं है। और इस पुल पे प्रशासन और शासन और DM और विधायक सांसद, जहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक के पास न्यूज जा चुका है, जो कि इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अतः मैं प्रशासन से नम्र निवेदन करूँगा कि अति आवश्यक जल्द से जल्द इस पुल का नव निर्माण किया जाए। अच्छा, ये पुल से कितने लोगों का आवागमन होता होगा डेली? लगभग 20,000 आबादी का आवागमन बाधित होता है। और जहां तक कि डिलीवरी पेशेंट का किसी भी समय
हादसा से शिकार हो सकता है, जो कि किसी का गोद उजड़ सकता है, किसी का माँ मिट सकती है, किसी का बहन मर सकती है, जो कि आने जाने में डॉक्टर के यहाँ डिलीवरी पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होता है। ये बनकट्टा हुआ और शाहपुर पड़ता है इस जगह का नाम, पंचायत धुरियाही, जो कि दिलारपुर हरी चौक से लेके शाहपुर तक यह रोड का निर्माण किया गया है। कुल लंबाई इस रोड की 12 किलोमीटर है, दिलारपुर हरी चौक से लेके प्रतापगंज, और ये मनिहारी और बरारी को जोड़ने वाली रोड है। क्या नाम बताएं? मैं पप्पू यादव। कि रात 8 बज रहा था, ठीक है, अंधार था यहाँ पे, तो हमको बोला कि टपा दो भैया गिर जाएंगे पार्टनर, तो ले चलो, कहाँ से आ रहा था हमारा 83 घर है, तो दो बुढ़वा को टपाए हैं भैया गिर जाएंगे, उसमें टपाए हम। अच्छा, हाँ, तो आखिर क्यों गिरता? वो जो रास्ता खराब है, रेत चलता है, अंधार था थोड़ा, पुल टूट गया है। हाँ, टूट गया है, तो दो आदमी को टपाए। क्या टूटा है? पाया टूट गया, पाया नीचा गिर गया है, टूट गया है। क्या नाम हुआ? नाम मेरा डब्लू है। मेरा नाम अमरदीप कुमार मंडल हुआ। जी जी, अभी देख रहे हैं हम लोग कटियार से गुजर रहे हैं मरगाहा के लिए, तो हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से रोड तो एक जो है डैमेज है ही, उसके साथ साथ पुल पूरी तरह से डेंजर हो चुका है। ये कभी भी किसी भी हादसे का मोड़ ले सकता है। ये कभी भी ट्रक, यहाँ ट्रक तो नहीं, टेम्पो आता है, टोटो ऑटो बाइक वगैरह भी जाता है। रात बिहार में आदमी का आना जाना, राशन पानी का मेन मुद्दा यही रोड है। अभी किसी भी प्रकार का किसी भी हादसा इस मोड़ पर हो सकता है, इसका कोई लिमिटेड नहीं है। हम चाहते हैं अपना विधायक जो भी हो, सरपंच मुखिया जो भी इनका है, थोड़ा सा इन पे ध्यान दे और इस पुल को मरम्मत करके या तो नया पुल का प्रमत किया जाए। निश्चित तौर पे ये कटिहार से आ रहे थे और इनका कहना है कि इस पुल से जब जब हम गुजरते हैं तो कभी भी अनहोनी हो सकता है। ये ऐसे में देखा जाता है कि विभाग के जो भी कर्मी है त्वरित इसमें जाँच कर कार्रवाई करते हुए इस पुल की मरम्मति करवाया जाए। मैं मिठू के बी न्यूज कटिहार। अगर आप इस धनतेरस और दिवाली खरीद रहे हैं फर्नीचर, तो आप ध्यान दें। शानदार लग्जरी सोफा से लेकर डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, शू रैक, डिजाइनर वार्डरोब और तरह तरह के लग्जरी मैट्रेसेस तक हर चीज मिलेगी आपको यहाँ, वह भी भारी फेस्टिवल डिस्काउंट पर। एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे, तो आइए इस धनतेरस मेले में। सती फर्नीचर गोढ़ी टोला, नियर केबीसी ऑफिस, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979721।